हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है बिहार के सामान्य परिचय से संबंधित वीडियो, और आज की वीडियो में हम लोग बिहार के बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने बिहार स्पेशल सीरीज के तहत बहुत सारे वीडियोज पढ़े थे, बट इस बार हम लोग उसको मैप के थ्रू और डिजिटल माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि चीज़ों को समझना और उसे याद करना और अधिक आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो है हमारा बिहार स्पेशल तहत सामान्य परिचय से संबंधित वीडियो। इस सामान्य परिचय से संबंधित वीडियो में आज हम लोग मुख्य रूप से बिहार के बेसिक जानकारी, जिसको मैप के थ्रू कैसे हम लोग समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्पेशल डाटा जिससे संबंधित प्रश्न प्रतिवर्ष बीपीएससी के एग्जाम में या बिहार से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन डेटा को भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में जो टोटल 38 जिले हैं, इन जिलों की स्थिति भी मैप के थ्रू आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्षण आते हैं जहां पर आपको गेसिंग वर्क काम करता है। और अगर बिहार के भौगोलिक स्थिति को आप अच्छे ढंग से समझते हैं, इनके जिलों की स्थिति को आप अच्छे ढंग से समझते हैं, तो कई बार आंसर को चुनना आसान हो जाता है। तो इसलिए इनके जिलों की अवस्थिति को याद रखना चाहिए। जिलों की स्थिति को समझने और याद रखने का सबसे सटीक तरीका है कि आप इस क्रम में याद करेंगे। ये पहला लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा लाइन होगा। इस तरह से करके पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये एक क्रम के जिले हो गए। और इसी तरह से लाइन बाई लाइन करके आप जिलों को क्रमागत बना करके भी याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि आगे के आज ही के चैप्टर में हम लोग प्रमंडल को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही प्रमंडल को पढ़ेंगे तो किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और जिलों की अवस्थिति क्या है उसको भी पढ़ लेंगे, तो वो आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे और उसे याद रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सामान्य परिचय के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग आते हैं बिहार के संबंध में बेसिक जानकारी के तहत बिहार के नामकरण से संबंधित। तो ऐतिहासिक रूप से आपने कई बार पढ़ा भी है, समझा भी है कि बिहार जो है वो बिहार नाम से कब प्रचलित हुआ। तो ये लगभग ऐसा माना जाता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी का जो दौर था, उस समय बौद्ध भिक्षुओं का जो दौर था, वो बिहार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विहार करते थे। विहार इन द सेंस यहाँ पर भ्रमण करना, और भ्रमण करने के दौरान काफ़ी समय के लिए वो निवास कर लेते थे। तो ये जो बिहार में भ्रमण करने का जो एक अवसर था, उसे विहार कहा जाता था। और यह शब्द इतना ज़्यादा प्रयोग होने लगा, इसीलिए इस विहार का तात्पर्य बिहार के रूप में लिया जाने लगा और बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी का वो दौर जिस दौरान बिहार का नामकरण हुआ। इसके अलावा अगर बात करें इसके भौगोलिक अवस्थिति की, तो इसके भौगोलिक अवस्थिति को समझने के लिए आप भारत के मैप को देख सकते हैं। भारत के मैप में बिहार की जो अवस्थिति है वो यहाँ है, जो कि भारत की अवस्थिति उत्तर और पूर्वी क्षेत्र को दर्शाता है। यानी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बिहार स्थित है, जिसकी जो संरचना है वो चतुष्कोणीय है, यानी चार भुजाओं वाला एक चतुर्भुज के समान देखने को मिलता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में ग्लोब पर क्या है, आइए अब उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ग्लोब पर अगर बात करें, तो जो बिहार हमने अभी देखा, अभी जो बिहार के मानचित्र को हमने देखा, अगर ग्लोब में देखेंगे तो यहाँ से आने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहेंगे, और इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे। और यही अक्षांश रेखाओं में बिहार बटा हुआ है, और इस प्रकार के देशांतर रेखाओं में बिहार बटा हुआ है। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति ग्लोब पर कैसी है, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। ग्लोब पर अगर बात करें, तो ग्लोब की जो भौगोलिक संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिस पर देशांतर रेखाओं एवं अक्षांश रेखाओं की संरचना जो है वो काल्पनिक रूप से की गई है। इसी काल्पनिक रेखाओं के बीच में मैंने अभी बताया कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बिहार स्थित है, लेकिन ग्लोब पर अगर बात करें तो भारत पूरी तरह से यहाँ पर स्थित है, जो कि पूरी तरह से पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो जैसे ही उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाएगा, तो पूरा का पूरा जो अक्षांश होगा वो
उत्तर होगा और पूरा का पूरा देशांतर जो होगा वो पूरब होगा। उसी क्रम में अगर बिहार का हम अक्षांश और देशांतर स्थिति ढूंढेंगे तो बिहार भारत के अंतर का ही एक क्षेत्र है, जिसके कारण इसका जो अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखने का प्रयास करेंगे तो नीचे इसका जो सबसे निचला लाइन है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के बिहार का जो ऊपरी सीमा है वो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। और ये हम क्या इसको कहेंगे तो नॉर्थ क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि भारत की ही ग्लोब पर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से उत्तर में है, जिसके कारण बिहार की भौगोलिक स्थिति भी पूरी तरह से उत्तर में ही होगी। बिहार की भौगोलिक स्थिति में 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री नॉर्थ के बीच बिहार अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब ये जो स्थिति होगी ये कैसी स्थिति होगी, अगर हम ग्लोब के बारे में ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि विषुवत रेखा पे जो देश होगा वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे गर्मी कम होगी। तो यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का जो अंतिम छोर होगा वहीं पर क्या है, बिहार है। तो यानी बिहार एक गर्म प्रदेश इसीलिए है क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय जलवायु के एकदम समीप और उसके पास स्थित है, यानी बिहार के जस्ट नीचे से 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो यही स्थिति है जिसके कारण बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है या जलवायु है उसको निर्धारित करने में ये अक्षांश रेखाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो देशांतर यहाँ से स्टार्ट होता है और यह देशांतर जब स्टार्ट होता है तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के, ये 50 सेकंड क्या होगा, ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य होगा। तो यानी देशांतरीय विस्तार जो है वो बिहार का कितना डिग्री, लगभग 4 डिग्री का डिफरेंस रखता है 83-19 से लेकर के 88-17 तक। तो इस तरीके से बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उसको निश्चित रूप से आप समझ के रखेंगे, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाएंगे तो बिहार के ज्योग्राफिकल जलवायु क्षेत्रों को समझने के लिए इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझना बहुत जरूरी है। ये कई बार बीपीएससी या बिहार से संबंधित प्रश्नों में सीधे इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, साथ ही साथ याद हो गए होंगे। तो 24 से लेकर के 27 और 83 से लेकर के 88 ये है हमारा अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं और हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के चौहद्दी क्या है और चौहद्दी से जुड़े हुए पॉइंट्स जहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो बिहार की अगर चौहद्दी की बात करें तो उत्तर का जो क्षेत्र है, जब भी मैप बनता है तो ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से नॉर्थ होता है, उत्तर में है नेपाल और इस नेपाल से सटे हैं बिहार के 7 जिले। तो ये हो गया हमारा नेपाल एरिया और यहाँ जो पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक पूरा का जो पूरी पट्टी है वह जो है वह हमारा बनता है नेपाल के साथ सीमा लगने वाले जिले। उसके बाद अगर बात करें पूर्व में तो पूर्व में है हमारा पश्चिम बंगाल और यह पश्चिम बंगाल किशनगंज जिले से लेकर के ये आता है हमारा कटिहार तक, जिसमें पूर्णिया सम्मिलित होता है और केवल 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में बात करें तो हम बिहार से ही अलग हुआ राज्य झारखंड है, जो कि एक पहाड़ी राज्य के रूप में उसे नवनिर्मित किया गया था और 15 नवंबर 2000 को बिहार को विभाजित करके 2 राज्यों के रूप में स्थापित किया गया और बिहार के एक अलग हिस्से के रूप में झारखंड को स्थापित किया गया। झारखंड से भी कटिहार से लेकर के जो है वो रोहतास तक जो है इसकी सीमा साझा होती है और दक्षिण का पूरा भाग जो है वो झारखंड से सम्मिलित होता है। इसके अलावा पश्चिम में बात करें तो पूरा का पूरा पश्चिम जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण से लेकर के यहां रोहतास तक के जो जिले हैं वो पश्चिमी चंपारण से सीमा साझा करते हैं। अब याद क्या रखना है, तो नेपाल से 7 जिले,
पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से 3 जिले, दक्षिणी क्षेत्र झारखंड से 8 जिले और पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। अब चलिए हम लोग याद करते हैं इन जिलों को, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो वैसे समय में आपको जिलों का नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा मैप को बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्तर क्षेत्र में नेपाल के साथ सीमा संपर्क वाले जिलों की ओर। नेपाल के साथ जो जिले संपर्कित हैं उनकी कुल संख्या है 7। अब इसके थ्रू हम लोग जिलों को भी याद कर सकते हैं, नेपाल के साथ सीमा वाले क्षेत्रों को भी याद कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पश्चिमी क्षेत्र में हमारा जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण, तो यहाँ से नेपाल की सीमा संलग्न है, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे बॉर्डर बनाते हुए ये बॉर्डर जा करके एकदम जो ख़त्म होता है कहाँ पे, किशनगंज के पास। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है। क्रम से याद करेंगे इस तरफ से लेकर के यहाँ तक। सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो है पश्चिमी चंपारण, इससे सटा हुआ क्षेत्र पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, ये छोटा सा जो जिला है ये है शिवहर। ये शिवहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कई बार कन्फ्यूजन में ऑप्शन में शिवहर ही देगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये नेपाल से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो किसकी लगती है, तो सीतामढ़ी की। नेक्स्ट है मधुबनी, नेक्स्ट सुपौल, फिर अररिया और किशनगंज। तो इस तरह से ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद जो है सुपौल, और उसके बाद अररिया और लास्ट किशनगंज। इस तरह से 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जो कि हमारा पूर्वी भाग जो है वो पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ है। ये हिस्सा जो देख रहे हैं यहाँ किशनगंज के इस बॉर्डर से लेकर के इस प्रकार से ये बॉर्डर यहाँ तक पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन है आसानी से याद कर सकते हैं, किशनगंज, किशनगंज के जस्ट नीचे पूर्णिया और पूर्णिया के जस्ट नीचे एक कटिहार। तो ये 3 जिले हैं मात्र जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से सटती है। ऑप्शन में आपको भागलपुर दिया जाएगा और इस तरह से प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहेगी। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे दक्षिणी हिस्से में जहाँ पर झारखंड है, इस झारखंड हिस्से से कौन कौन से जिले हैं जो संपर्कित होते हैं। तो झारखंड जिले की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो झारखंड से सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ कटिहार से, और कटिहार से लेकर के इस प्रकार से ये बढ़ते 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 आ जाएंगे हमारे यहाँ पे रोहतास के पास। तो याद करेंगे यहाँ सबसे पहले कटिहार, फिर भागलपुर, फिर बांका, बांका के नीचे जमुई, जमुई के पास है नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद, और उसके बाद लास्ट रोहतास। और कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ये 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि ये आप मैप में ये हिस्सा देख रहे होंगे, इस तरह से ये मैप का है कि रोहतास का हिस्सा है। कैमूर जो है वो झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है, तो कई बार ऑप्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कैमूर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो आइए अब इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो कि भारत के बिहार के पश्चिमी क्षेत्र का सीमा साझा करता है, और इसके साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या भी है 8। कौन कौन से जिले हैं, आइए शुरू करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। सबसे ऊपर में है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, उसके बाद आएगा गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, और सिवान के बाद सारण, सारण के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद बक्सर, बक्सर के बाद कैमूर, और कैमूर के बाद थोड़ी सी सीमा रोहतास से भी लगती है।
तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा जिला है जो कि बिहार के साउथ वेस्ट में स्थित है, जो यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करते हैं। तो रोहतास वो जिला होगा जो झारखंड से भी सीमा साझा करता है और यूपी से भी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से इधर आठ, ऊपर सात और राइट में तीन जिले ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी राज्यों एवं देश से सीमा साझा करते हैं। तो आसानी से आप इन बिंदुओं को याद रख सकते हैं, इन जिलों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार बीपीएससी ने इस तरह के भी प्रश्न पूछे हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि किशनगंज सबसे अधिक पूर्व क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो सबसे ईस्टर्न जो मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है किशनगंज। इसके अलावा सबसे उत्तर में अगर बात कर लें, सबसे उत्तर की दिशा में हमारा कौन सा जिला है, तो सबसे उत्तर की ओर जो है वो हमारा पश्चिमी चंपारण जिला है। पश्चिमी चंपारण सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है। अगर बात करें कि हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग बात करें तो कैमूर जो है ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कैमूर हो जाता है। और सबसे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट में गया आता है, जो कि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ मैप में आपको जमुई भी काफ़ी ज़्यादा साउथ में दिखता है, बट इसकी अगर सीधाई लेंगे तो थोड़ा सा जो है वो गया साउथ मोस्ट हो जाता है, जिसके कारण गया जो है वो सबसे साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के थ्रू आपने बिहार की चौहद्दी को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया कि बिहार की चौहद्दी किस प्रकार से है और किस तरफ के क्षेत्रों में कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। बात करें अगर बिहार की भौगोलिक स्थिति की, तो एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के झारखंड के तरफ से भी थोड़ा सा बिहार उठा हुआ है और नेपाल तो हिमालयन क्षेत्र है तो उठा हुआ है। तो बिहार की जो भौगोलिक संरचना है वो इस प्रकार से नाव के जैसे, यानी दोनों पार्ट उठे हुए हैं और बीच वाला पार्ट धंसा हुआ है। और वो भी धंसा हुआ पार्ट कैसा है, क्योंकि ये बीचों बीच जो है वो बिहार की क्या होती है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो जैसे ही ये गंगा नदी प्रवाहित होगी तो ये हिस्सा क्या होगा, हाइट वाला होगा, ये हिस्सा लो लैंड होगा, तभी ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है वो पानी का प्रवाह जो है वो होगा। तो यानी यूपी से वेस्ट बंगाल की ओर अगर पानी का प्रवाह होता है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये हाइट ऊंचा होगा और ये हाइट नीचा होगा। इसके अलावा जितनी भी नेपाल की नदियां हैं वो गंगा में आकर मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ बीच वाला हिस्सा लोलैंड होगा और नेपाल का हिस्सा जो है वो हाई होगा। तो इस तरीके से ये, और झारखंड से भी सोन नदी और अन्य नदियां आकर के गंगा में मिलती है, तो यानी झारखंड का हिस्सा ऊंचा होगा और बीच वाला हिस्सा नीचा होगा। तो यानी बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस नाव प्रकार की है, जिसमें उसके दोनों हिस्से उठे हुए हैं और बीच वाला हिस्सा धंसा हुआ है, जिसके कारण गंगा नदी में ही आकर के अधिकांश नदियाँ मिल जाती हैं और प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं। चलिए आते हैं अगले पेज की ओर और हम लोग सामान्य परिचय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अब कुछ आंकड़ों से संबंधित चीजें हम लोग जान लेते हैं। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये जो इसकी पूरी भौगोलिक संरचना के आधार पर इसकी क्षेत्रफल को निकालते हैं तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसकी क्षेत्रफल आंकी गई है, जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें कि यह बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.86% है। और बिहार का यह भौगोलिक संरचना भारत का मात्र 2.86% ही अपने पास रखता है, जबकि जनसंख्या की बात कर लेंगे तो जनसंख्या में ये 8.6% जनसंख्या जो है अपने पास रखता है, जो कि भूमि की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो आइए कुछ आंकड़ों को इसी प्रकार से देख लेते हैं। तो भारत की कुल भूमि का ये 2.86% ही मात्र रखता है। राज्यों में अगर बात करें तो क्षेत्रफल में स्थान भारत में कौन सा है, तो इसका 12वां स्थान हो गया है। पहले ये स्थान जो है तेलंगाना बनने के बाद 13वां हो गया था, लेकिन पुनः जम्मू कश्मीर के अलग विखंडित होकर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनने के कारण बिहार का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो 13वां से घट करके 12वां हो गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ राज्यों के क्रम में, राज्यों में बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो गया है। इसके अलावा बात करें जनसंख्या की, तो
बिहार जो है वो जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से आगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार तीसरा सबसे लार्जेस्ट डेंसिटी जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो तीसरे स्थान पे है और 10,40,99,452 व्यक्ति है। तो ये आंकड़े जो है ये 2011 के जनगणना पर आधारित है। अब अगर 2021 का जनगणना फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद नए आंकड़े आपको प्राप्त होंगे। अभी तक आपको 2011 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर ही उत्तर देना है। नेक्स्ट बात करें कि बिहार की जो ये कुल जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। और ये जो बिहार की आप भूमि देख रहे हैं, ये बिहार की अगर भूमि की बात हम लोग कर लें तो ये भूमि समुद्र तल से ऊंची है। इसी कारण से बिहार की नदियां जो है वो समुद्र तल की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि समुद्र तल से बिहार की भूमि ऊंची है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगर फीट में बात करें तो 173 फीट है, और अगर बात कर लें हम लोग इसको मीटर में तो 53 मीटर की ऊंचाई जो है वो बिहार के समतलीय क्षेत्र समुद्र तल से उठा हुआ है। इसके अलावा इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग बात करें इसके लंबाई की, तो ये कम चौड़ी है। और जो इस तरह से चौड़ाई की बात कर लें जो पूर्व से पश्चिम की ओर होगी तो ये अधिक है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, उत्तर से दक्षिण में अगर बात करें तो 345 यानी 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर याद करना चाहें तो जो गौतम बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति की तिथि है उसको याद कर सकते हैं 483 483, तो इस तरह से 483 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की भौगोलिक संरचना में उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है या पूर्व से पश्चिम की अधिक है, या इसके आंकड़ों को पूछ लिया जाए डायरेक्टली, आप आसानी से बताने की स्थिति में होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब आते हैं कुछ नए और अनोखे डेट्स और आंकड़ों के पास, जहां से प्रश्न निश्चित रूप से हर बार पूछे जाते हैं। आते हैं बिहार से संबंधित प्रमुख दिवस की ओर, जो दिवस निश्चित रूप से प्रश्नों की श्रृंखला में शामिल होते हैं। बिहार से संबंधित कुछ डेट बहुत फेमस है। सबसे पहला डेट जो फेमस है वो है 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था। इस शाही दरबार के मुख्य अतिथि थे जॉर्ज पंचम, और इसी शाही दरबार के दौरान जो है ये घोषणा की गई थी कि 1905 का जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया जाता है तथा बिहार को बंगाल से पृथक करके एक राज्य बनाया जाएगा। इसी शाही दरबार में ये घोषणा हुई थी, जिसके कारण इस दरबार से संबंधित प्रश्न बीपीएससी या बिहार से संबंधित एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब 1911 में ये घोषणा हो गई तो 22 मार्च 1912 को इससे संबंधित अधिसूचना या घोषणा जारी कर दी गई। अब जैसे ही ये घोषणा जारी हुई, यही कारण है कि 22 मार्च की जो तिथि है इस दिन पूरे बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि 1911 के शाही दरबार के घोषणाओं के आधार पर 22 मार्च 1912 को एक अधिसूचना जारी हुई, जिसके तहत बिहार जो कि उड़ीसा के संयुक्त रूप से उस समय एक प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। उस समय बिहार केवल अकेला राज्य नहीं था, बल्कि बिहार के साथ झारखंड और इसके नीचे ओडिशा ये भी सम्मिलित थे। तो ओडिशा और झारखंड को सम्मिलित रूप से एक राज्य के रूप में उद्घोषित किया गया 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट डेट आता है 1 अप्रैल 1912। ये भी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी उस दिन इसे लागू कर दिया गया और बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया गया। इस समय ये सभी उसके साथ राज्य के रूप में गठित हुए थे, यानी बिहार अकेला राज्य नहीं था उस समय, बिहार झारखंड और ओडिशा को सम्मिलित करते हुए राज्य बना था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ओडिशा में ओडिया भाषा चलती है और बिहार के क्षेत्रों में बिहार की स्थानीय भाषाओं भोजपुरी और अन्य भाषाओं की प्रचलता थी। नतीजतन एक संघर्ष का दौर फिर से शुरू हो गया और अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। परिणाम स्वरूप इसके कई सालों बाद 1 अप्रैल 1936 को
फिर से एक विभाजन हुआ और ओडिशा जो कि ओडिया भाषा बहुल क्षेत्र था इसे अलग कर दिया गया और बिहार और झारखंड एक साथ राज्य रह गए और ओडिशा को एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो यानी आपको ये चार डेट अभी तक याद हो गए होंगे, 12 दिसंबर 1911, इसके अलावा 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1912 और 1 अप्रैल 1936। इन सभी परिस्थितियों के बाद पुनः उसके बाद क्या हुआ कि देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद राज्यों का निर्माण हुआ और राज्यों के निर्माण के क्रम में एक समय आया 1956, जिसमें राज्य पुनर्गठन का समय आ गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों का गठन फिर से हुआ। इस क्रम में बिहार और झारखंड एक सम्मिलित रूप से एक प्रांत बने, लेकिन बिहार को अपने किशनगंज क्षेत्र के कुछ जिले सौंपने पड़े पश्चिम बंगाल को। इसके अलावा धनबाद क्षेत्र जो कि झारखंड में थे, वहाँ के भी कुछ हिस्सों को झारखंड को पश्चिम बंगाल को सौंपना पड़ा, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के समुदाय विशेष के लोगों से बने हुए थे। ऐसे में इस समय कुछ तोड़नार करने के बाद एक बिहार प्रांत के रूप में 1956 में जो है गठित हो गया स्वतंत्रता के बाद, और ये लंबे समय तक इसी रूप में चलता रहा। फिर एक अंतिम विभाजन का दौर आया 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जो कि बिहार के लगभग 46% भूमि को अपने पास रखता है और बचे हुए 54% भूमि के साथ बिहार राज्य रह गया। तो इस प्रकार से बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, जिस दौरान एक अलग राज्य का निर्माण किया गया जिसे झारखंड राज्य के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये थे बिहार के प्रमुख दिवस से संबंधित। बात करें ब्रिटिश काल की और बिहार के स्थापना के रूप में, तो ब्रिटिश काल में बिहार के बिहार राज्य के रूप में दर्जा दिलाने के क्रम में सचिदानंद सिन्हा को विशेष रूप से जाना जाता है। उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो है बंगाल से अलग बिहार को अपनी एक पहचान मिली थी, इसीलिए उन्हें जो है बिहार के संस्थापक के रूप में या बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इस क्रम में महेश नारायण द्वारा उनका काफ़ी योगदान रहा। महेश नारायण ने 1894 में जो है एक समाचार पत्र निकाला बिहार टाइम्स, जिसके सहयोग से उन्होंने जो है मुख्य रूप से पृथक बिहार के निर्माण को मजबूती दी और फाइनली जाकर के जो है ये दिसंबर 1911 के शाही दरबार जो आयोजित हुआ उसमें ये घोषणाएं हुई कि अलग बिहार राज्य का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख डेट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा वर्तमान बिहार राज्य की स्थिति क्या है, उससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहार में कुल जिले वर्तमान में 38 हैं और सबसे लेटेस्ट जिला जो है वो जहानाबाद से अलग अरवल जिला बना, जो कि सबसे लेटेस्ट 38वां जिला है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 38 जिलों में अनुमंडल हैं और सभी अनुमंडलों की कुल संख्या 101 है, जिसे निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। अनुमंडलों का विभाजन जो है वो प्रखंड एवं अंचल के रूप में किया गया है और इन दोनों की संख्या जो है वो कुल 534 है। इसके अलावा ये सारे जो जिले अनुमंडल प्रखंड हैं ये पूरे प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं और कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो वो 9 है। ये मैंने प्रमंडल लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि अब हम लोग प्रमंडल को डिस्कस करेंगे और प्रमंडल में आने वाले जिलों को याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रमुख डेट्स जो है वो आपको याद हो गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर आते हैं और हम लोग बात करते हैं प्रमंडल की, जो कि बिहार में 9 प्रमंडल है। अगर हम बिहार के इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि बिहार के मैप में यहाँ पर गंगा नदी यूपी से आकर के और बिहार को दो भागों में विभाजित करते हुए वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। इस क्रम में उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल है और दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल है। तो आसानी से हम लोग कैसे इसको याद रख सकते हैं, किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं, उसको कैसे याद रख सकते हैं, आइए इसको मैप से समझेंगे। मैप से समझने से पहले इन आंकड़ों को थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको मैप पे समझना आसान हो जाए। उत्तर बिहार में जो जिले हैं वो यहाँ तक हमारे हैं, सारण जो सबसे पहला प्रमंडल है, दूसरा जो है वो तिरहुत प्रमंडल है जिसमें 6 जिले सम्मिलित हैं, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले, कोसी प्रमंडल में 3 जिले और पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले सम्मिलित हैं।
इसके अलावा जो दक्षिण बिहार के चार प्रमंडल है उसमें मगध है जिसमें 5 जिले, इसके अलावा पटना जिसमें 6 जिले, मुंगेर जिसमें 6 जिले और भागलपुर जिसमें मात्र 2 जिले सम्मिलित हैं। तो ये कौन कौन से जिले हैं, ये नाम के थ्रू तो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। आइए अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। बात करते हैं हमारे उत्तर बिहार के पहले प्रमंडल के बारे में, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सारण प्रमंडल जो है सबसे पहले हमारा है। तो सारण प्रमंडल में कितने जिले, 3 जिले। अब कौन कौन से हैं, तो आसानी से ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 जिले जो है वो सारण प्रमंडल में आते हैं। इसमें याद रखेंगे सबसे ऊपर गोपालगंज, उसके नीचे सिवान और सिवान के नीचे सारण। तो ये 3 जिले बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं कि जो कि क्रम से ऊपर से लेकर के नीचे की ओर है और सबसे बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये 3 जिले जो है वो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रमंडल है वो है तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल जो है ये 6 जिलों का एक समूह है और इसमें आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, इसके जस्ट नीचे पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद जो है वो शिवहर और सीतामढ़ी याद कर सकते हैं क्योंकि सीतामढ़ी से ही टूट करके शिवहर जिला बना था। उसके बाद मुजफ्फरपुर याद कर सकते हैं और सबसे नीचे है वैशाली। तो इस तरह से यहाँ से क्रम से आते हुए वैशाली तक हम लोग आएंगे। तो ये जो एक समूह ग्रीन कलर का आपको समूह दिख रहा है, ये समूह जो है वो है तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है वो पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर शिवहर और सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद है वैशाली। इसके बाद जो हम लोग आते हैं तो ये येलो कलर में दिख रहा है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में मात्र 3 जिले हैं और ऊपर से नीचे के क्रम में आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर में है मधुबनी, फिर दरभंगा और फिर समस्तीपुर। तो तीसरा जो प्रमंडल है हमारा उत्तर बिहार में है वो है दरभंगा प्रमंडल, जिसमें 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। इसके बाद जो ये इलाका है ये कोसी क्षेत्र है, इसीलिए इसे कोसी प्रमंडल के नाम से जानते हैं। ये स्काई कलर में आपको बनाया हुआ है और कोसी प्रमंडल में भी मात्र 3 जिले हैं जिनमें कोसी नदियां मुख्य रूप से बहती हैं। सुपौल, जहां से कोसी नदी प्रवेश करती है, उसके नीचे है मधेपुरा और उसके नीचे है सहरसा। तो 3 जिले जिनके जिले जो है वो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और सबसे लास्ट कॉर्नर पे है हमारा, ये है हमारा पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले शामिल हैं जो कि कॉर्नर से लेकर के हैं, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 कॉर्नर वाले जो हमारे जिले हैं, जिसमें मैंने बताया भी था कि सबसे जो है ईस्ट साइड का जो हमारा जिला है वो किशनगंज है, उसी किशनगंज से सटे हुए ये जिले जो कि पूर्णिया के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ रिपीट करेंगे। सबसे पहला प्रमंडल जो था वो हमारा था सारण, सारण में 3 जिले थे, गोपालगंज, सिवान, सारण। इसके बाद तिरहुत, तिरहुत में 6 जिले थे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद आते हैं दरभंगा में, दरभंगा 3 जिलों का समूह था, ऊपर में मधुबनी, फिर दरभंगा और फिर समस्तीपुर। देन उसके बाद हम लोग आते हैं कोसी प्रमंडल में, ऊपर में सुपौल, सुपौल के नीचे मधेपुरा और मधेपुरा के नीचे सहरसा। एंड देन लास्ट जिसमें 4 हैं जो कि पूर्णिया के अंतर्गत आते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेगमेंट था जिसमें आपको मुख्य रूप से 5 प्रमंडल पढ़ने थे जो कि उत्तर बिहार के थे, अब हम लोग दक्षिण बिहार की ओर आएंगे और इस गंगा नदी के नीचे के प्रमंडल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से आते हैं जो कि हमारा है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं और इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रोहतास, रोहतास के बाद कैमूर, कैमूर के बाद बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। तो 4 इस कॉर्नर के जिले पहले याद कर लें और उसके बाद 2 ऐड कर लें, पटना और नालंदा। तो 4 कौन से हैं इस कॉर्नर के जिले, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। इसके अलावा 2 जिले ऐड करने हैं, पटना और नालंदा। तो आसानी से याद कर सकते हैं कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं और ये 6 जिले रेड कलर से आपको दिखाए जा रहे हैं।
पिंक कलर में आते हैं, ये है हमारा मगध का प्रमंडल। मगध प्रमंडल जो कि काफी मगध साम्राज्य के नाम से भी बिहार पहले विख्यात था इसी मगध प्रमंडल के रूप में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है इसमें, आसानी से याद हो सकता है। सबसे पहले नीचे के तीन जिले याद करेंगे, औरंगाबाद, गया और नवादा। इसके अलावा दो जिले जो कि सबसे लास्ट में बटे हैं, जिसमें जहानाबाद को टूट करके अरवल बनाया गया, तो इस तरह से वो दो जिले इसमें शामिल कर देंगे। तो पांच जिलों का समूह जो है वो है मगध प्रमंडल, और बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, औरंगाबाद, गया और नवादा, उसके बाद दो जिले जहानाबाद और अरवल। अब इतना याद करने के बाद हम जो चलेंगे इधर, तो इसको मुंगेर को पहले नहीं याद करेंगे, सबसे पहले याद करेंगे हम ये वाला भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में मात्र दो जिले हैं। अब मात्र दो जिले कौन सा, एक तो भागलपुर और दूसरा बांका, तो बहुत आसानी से याद हो गया। तो नीचे के तीन हमने जब याद कर लिए, पटना, मगध और भागलपुर, तो अब हमारा एक क्या बच गया, बच गया मुंगेर। अब जितने भी जिले जो हमने नहीं पढ़े कहीं, वो सब किस में जाएंगे, वो जाएंगे मुंगेर में, जिसमें जिलों की संख्या हो जाती है छः। तो आइए इसमें हम लोग आसानी से देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से हैं। सबसे लास्ट है साउथ की, उधर से देखेंगे हम लोग तो जमुई है। जमुई के ऊपर है शेखपुरा, लखीसराय, लखीसराय, मुंगेर खुद, इसके अलावा बेगूसराय और खगड़िया। इस तरह से ये जो छह जिले हैं, ये छह जिले मिलकर के मुंगेर प्रमंडल का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस मैप के माध्यम से अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सभी याद हो गए होंगे। अब अगर हम लोग आते हैं और इस तरफ इस लिस्ट को देखने का प्रयास करते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको पूरा याद हो गया होगा और आपको मैप भी दिखाई देगा आप पढ़ते समय। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सारण। सारण में तीन जिले थे, पहला गोपालगंज, दूसरा सारण, तीसरा सीवान। दूसरा जो नेक्स्ट था वो था तिरहुत प्रमंडल, छह जिले थे, छह जिले ऊपर से नीचे की ओर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फर और वैशाली। इसके अलावा दरभंगा, दरभंगा में तीन जिले, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसके अलावा कोसी, कोसी में तीन जिले, बहुत ही आसानी से याद कर सकते थे, ऊपर में सुपौल से स्टार्ट होता है, मधेपुरा और फिर सहरसा। इसके बाद हम लोग पूर्णिया में गए, पूर्णिया में चार जिले थे, ऊपर और कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इसके अलावा अगर हम दक्षिण में आते हैं, तो पटना में अगर हम आते हैं, तो छह जिले थे, सबसे पहले कॉर्नर वाले चार जिले, जिसमें रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, दो जिले उसमें और ऐड कर देंगे, पटना और नालंदा। इसके अलावा मगध में अगर चलेंगे तो पांच जिले थे, नीचे से तीन हम लोगों को देखना है, औरंगाबाद, गया और नवादा, उसमें दो जिले ऐड करेंगे जो सबसे लास्ट में टूटे हैं, जो जहानाबाद और अरवल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, भागलपुर को, मात्र दो जिले इसमें हैं, भागलपुर और बांका, और सबसे लास्ट में याद करेंगे मुंगेर को, जिसमें है छह जिले, मुंगेर एक खुद हो जाता है, उसके बाद इधर जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया, जो बच गया वो सभी चले जाएंगे किसमें, मुंगेर में। तो आशा करते हैं कि आसानी से आपको ये सारे जिले भी याद हो गए होंगे, इसके अलावा सारे प्रमंडल और प्रमंडल के लोकेशन भी आपको याद हो गए होंगे। अब ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बारिश इधर ज़्यादा होती है, पहाड़ इधर ज़्यादा है, इस तरफ भी पहाड़ है और पठार कहाँ है। तो ये जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में जब भौगोलिक स्थिति आप समझते हैं, जिलों की स्थिति समझते हैं, तो कई बार जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो केवल आप समझ के आधार पर बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि पटसन यानी जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो बारिश जहाँ सबसे ज़्यादा होती हो, पानी जहाँ सबसे ज़्यादा लगते हो, उन्हीं क्षेत्रों में जूट की सबसे ज़्यादा खेती होगी। तो इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको जिलों की भौगोलिक स्थिति भी आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए अब आते हैं लास्ट पेज की ओर, और लास्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे बिहार से संबंधित प्रमुख राजकीय प्रतीकों को, जो कि बिहार के द्वारा घोषित किए गए हैं। जो पहले प्रतीक थे उनमें कई बदलाव किए गए, जिसके कारण नए प्रतीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। सबसे पहला है राजकीय चिन्ह, जो बिहार के द्वारा अपनाया गया है, तो बोधि वृक्ष को जो है वो राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा जो है वो राजकीय भाषा की बात करें, तो पहली राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया गया है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ सकता है।
इसके अलावा राजकीय पशु जो है वो बैल को बनाया गया है, जो कि सबसे मेहनतकश पशुओं में से माना जाता है। राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया को बनाया गया है, और गौरैया संरक्षण के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल, और पीपल वृक्ष को जो है राजकीय वृक्ष बनाया गया है, लेकिन राजकीय चिन्ह याद रखेंगे कि बोधि वृक्ष है, दोनों में अंतर होगा, राजकीय वृक्ष और राजकीय चिन्ह के रूप में। इसके अलावा राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा जो है वो पुष्प के रूप में, गेंदा को जो कि एक सामान्य फूल है जो गांव-गांव में गली-गली में भी मिल सकते हैं, तो इसीलिए इस फूल को जो है राजकीय फूल के रूप में चुना गया है। और राजकीय मछली के रूप में जो है वो मांगुर मछली को जो है चिन्हित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा सामान्य परिचय से संबंधित वीडियो था आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कॉमेंट्स करें, साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ना कैसा लगा। आपके कमेंट्स के थ्रू हम लोग आगे के डिसीजन लेंगे, और कैसे वीडियोस बनाने हैं इसके बारे में भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में और क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी आप जरूर कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।